दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान बिना उपकरण के 1000 किलोमीटर की दूरी कुछ सेकंड्स में तय कर ले? परंतु हमारे देश में ऐसे कई चमत्कारी साधु संतों का जिक्र आता है जो टाइम और स्पेस के बंधनों से परे थे। वे चुटकियों में कहीं भी आ जा सकते थे। उनके पास ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ थी कि वे पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वापस अपनी जगह पर आ जाते थे। ऐसे ही चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण एक संत थे हमारे भारत में, जो समय और सीमा से परे थे। इनके चमत्कारों के बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नौनाथ की परंपरा में कई सिद्ध पुरुष हुए, जिनका स्थान असम, अरुणाचल से अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत तक फैल गया। जहां जहां नौनाथ की धुनी जली, वहां वहां योगपीठ स्थापित हुए, जिनमें से एक पंजाब के हिसार में सुल्तानपुर ग्राम भी था। यहां के पीठाधिपति इलायचीनाथ महाराज थे, जिनके शिष्यों की शाखाएं पंजाब, कश्मीर, सिंध, केटा, काबुल, कंधार, चमन, महाराष्ट्र और मालवा आदि क्षेत्रों में फैल गई थी। इसी योगपीठ से बाबा शीलनाथ ने भी दीक्षा ग्रहण की थी। शीलनाथ बाबा जयपुर के क्षेत्रीय घराने से थे। 1839 में दीक्षा प्राप्ति के बाद बाबा ने उत्तराखंड के जंगलों में कठिन तप किया। इसके बाद उन्होंने देश देशांतरों के निर्जन स्थानों पर जाकर भ्रमण किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, चीन, तिब्बत और कैलाश मानसरोवर से होते हुए वे पुनः भारत पधारे। इसी दौरान उनके साथ अनेकों घटनाएं घटी। काबुल की पहाड़ी पर जब वे धुनी रमाए थे, तब अफगानियों ने उन पर हमला कर दिया था। लेकिन उनके धुने से उठने मात्र पर अनेक अफगानी उलट पुलट होकर एक दूसरे की तलवारों से घायल हो गए। तब बाबा उठकर काबुल के जंगलों में चले गए और वहां पर धुना रमाया। काबुलवासी उनके इस चमत्कार से भयभीत हो गए और उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। बाबा बावड़ी की गुफा में जाकर गायब हो जाते थे और फिर सीधे हरिद्वार में स्नान करके पुनः उसी गुफा में प्रकट हो जाते थे। कई बार शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने उन्हें हरिद्वार में स्नान करते हुए भी देखा था, जबकि ये उनका रोज का नियम था। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बाबा धुना रमाते थे तो उनके आसपास शेर, चीते और जंगल के अन्य जानवर आकर बैठ जाते थे। उनके साथ हमेशा एक शेर रहता था, जिसे वे रोज भोजन खिलाते थे। करीबन 1900 के दशक में वे उज्जैन क्षेत्र में पधारे, जहां पर उन्होंने भृथरी की गुफा में ध्यान रमाया। उज्जैन के बाद कुछ दिन वे इंदौर में रहे। उसके बाद वे पुनः उज्जैन आ गए। उज्जैन से ही उनकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई थी। एक बार उज्जैन के सिंहस्थ में गुजरों ने सभी संतों को कंबल बांटे, क्योंकि बाबा नागा अवस्था में रहते थे। इसके बावजूद भी गुज्जरों ने बाबा को कंबल बांट दिया। बाबा ने कंबल को चिमटे से पकड़कर अपने जलते धुने में डाल दिया। गुज्जरों ने इसे अपना अपमान समझा। फिर बाबा ने धुने में चिमटा घुमाया और राख में से कंबल निकालकर गुज्जरों के हाथ में थमा दिया। बाबा ने अपने जीवन में अनेकों चमत्कार किए, पर उन्होंने कभी भी उन चमत्कारों का दावा नहीं किया। अपनी लीलाओं का विस्तार करके आखिर में बाबा ऋषिकेश में जाकर ब्रह्मलीन हो गए। आज भी देवास में उनका अखंड धुना और ज्योत है और आज भी उनकी खराव और पलंग वहीं पर मौजूद है। आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको बाबा का शयन कक्ष और उसके नीचे बना तलघर और बावड़ी में स्थित वो गुफा वैसी की वैसे ही दिखेगी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे चमत्कार और सिद्ध संतों के बारे में और जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।